तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताने वाली हूँ, वेस्ट चीज़ों का रीयूज़ करेंगे, जिससे आपके प्लांट ना हम इंसानों की तरह दौड़ने भागने लगेंगे। बिल्कुल जी हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, और पसंद आए तो आप भी ज़रूर इसको बनाकर अपने प्लांट पर यूज़ करना, अगर आपको भी अपने प्लांट को हम इंसानों की तरह दौड़ाना है या भगाना है तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हो सिस्टी किटी वाडिया चैनल, और आपके सामने है हमारे अपराजिता के फ्लावरिंग प्लांट, और फ्लावर आप देख रहे हो, और इसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्लावर जो है वो खिले हुए हैं। तो जी देखिए, दिल्ली में दोबारा से आफत आ गई है जी, और मुझे लगता है NCR जो दिल्ली का है वहाँ पर भी बहुत अच्छी सी आफत आ गई है, तो अपडेट देख लीजिए गार्डन का, ठीक है। टोमेटो के सीड अच्छे खासे ग्रो होते हुए, आप बोलोगे आफत क्या आ रही है, तो देखिए नीचे ज़मीन आपको दिख रही होगी, आसमान दिखा दूँ तो मैं भीगना नहीं चाहती हूँ, बट क्या करूँ, काम है, बारिश में भी मुझे कुछ ना कुछ सूट करना ही पड़ता है आपको दिखाने के लिए। तो देखिए जी, ये है आफत दिल्ली की, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था कि मेरे जो सीड वगैरह ग्रो करूँ इस तरह से नेट के अंदर चले जाएँ, और जो पक्षी हैं, कबूतर, गिलहरी, ये सब ख़राब ना करें। अभी मैंने इसका वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले ही, तो कुछ सीड जो है ना वो तो ग्रो हो गए हैं, और मेरे ख्याल से ये जो सीड है ना, ये मेरे ख्याल से ये मटर का सीड है, ठीक है। इसमें हमने जो लगाया था, एक छोटा सा नन्ना सा दिख रहा होगा आपको, वो भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। और बाकी में अभी ग्रो नहीं हुए हैं, इसमें तो मैंने अभी कुछ लगाया नहीं था। यहाँ पर देखिए, इसमें भी ग्रो हो गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, उंगली के पास दिख रहा होगा आपको, ओहो लाजवाब। ये देखिए, जिसको कवर करके रखा ना वो बच जाता है, जिसको कवर नहीं करते ना वो तो बचने वाला है ही नहीं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, इसमें मैंने मेरे ख्याल से बीन्स लगाना सिखाया था आपको, ठीक है। ये बीन्स है, और यहाँ पर इस वाले पॉट में जो निकल रहे ना, मेरे ख्याल से ये भी बीन्स है, क्योंकि ये वाला पॉट बिल्कुल इसके सामने ही रखा था, इसका वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। तो जी देखिए, ये है आफत, और चलिए मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने घर में साफ़ सफ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, दिवाली की साफ़ सफ़ाई। और दिवाली की साफ़ सफ़ाई में घर से कितना सारा माल मसाला निकलता है आपको पता ही है, तो मेरे घर से भी कुछ निकल रहा है जी, तो हम उसका रीयूज़ करना आपको बताएंगे, और बिल्कुल ऐसा ये रीयूज़ करना बताऊँगी तो आप बिलीव ही नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र, दो बताऊँगी, दोनों ही इतने अच्छे इनमें गुण है कि आपके प्लांट को ना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की से बड़ा करेंगे, फ्लावरिंग भी लाएंगे, फ्रूटिंग भी लाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे किचन में होती है जिनका यूज़ हम करते हैं अपने लिए, बट अपने प्लांट के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें उनकी नॉलेज नहीं होती है। तो जी देखिए, जैसे हम इंसान हैं, हम इंसानों को भी जब भी हम कभी बीमार होते हैं या हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए, तो उसके लिए हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सेवन करते हैं, जैसे टोनिक हो गया, या दवाइयाँ हो गई, या फल फ्रूट हो गए, या प्रोटीन हो गया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सलाह डॉक्टर हमें देते हैं कि आपको ये लेना चाहिए। उसी तरह से हमारे प्लांट है, बार बार बोलती हूँ मैं, मोस्टली अधिकतर वीडियो में बोलती हूँ कि हमारे प्लांट जो है वो भी लिविंग बींग्स हैं, उनमें भी प्राण है, वो भी जिंदा है, तो उनके लिए भी जो चीज़ हमें फ़ायदा करती है वही चीज़ हमारे प्लांट को भी फ़ायदा करेगी, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो सबसे पहले देखिए, ये लगभग मेरे 3 दिन पुराना रखा हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर इतनी सारी डस्ट है। तो अभी 3 दिन पहले, ये देखिए, आप सोच रहे होगे पता नहीं क्या है। तो जी देखिए, अभी 3 दिन पहले ना मैंने बच्चों के लिए डोसा बनाया था, तो उसमें मैंने मूंग की दाल, चने की दाल, ये सब रात को सोख करके रखी थी, और नेक्स्ट डे उसको पीस कर हमने डोसा बना लिया था। तो ये वही पानी है, आप इसमें चना दाल हो, चाहे आपके चने हो, छोले हो, या राजमा हो, जिसको आप ऐसे वाटर में सोख करके रखते हो ना, और उसको पानी को हम जब फेंक देते हैं, जब हम उमालने लगते हैं या फिर उसको पीसने लगते हैं, जैसे कि मैंने तो उसको पीस के बनाया है, तो ये जो वाटर होता है आप इसको फेंकना नहीं, बहुत सारे इसमें ऐसे तत्व हैं जो आपके प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, तो इसको भी बिल्कुल कभी मत फेंका कीजिए। तो मैं इसको बोतल में भर के रख लूँगी, आप किसी भी चीज़ में भर कर रख सकते हो, इसमें अलग से आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत खट्टी सी स्मेल आ रही है, और जो आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। इसका यूज़ भी मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, आज मैं सिर्फ इसको मेकिंग करना दिखा रही हूँ, मतलब बनाना दिखा रही हूँ कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरे विम्बाल की बोतल है, विम्बाल लिक्विड जो होता है उसकी बोतल है, इसमें मैं इसको फिल कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड वाला है वो है ये हमारा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस बोतल में फिल कर लिया है, और अभी ये बहुत ज़रा सा ही है, देखिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको इसका बर्तन भी दिखा देती हूँ, आपके 100% यकीन हो जाए कि जो मैं आपको बोल रही हूँ ये वही है। तो इसमें मूंग दाल भी है, चना दाल भी है, ठीक है। मूंग दाल ये है जो ग्रीन ग्रीन, आप सबको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, और करते कुछ है। तो देखिए जी, हमने तो वही दिखाया है आपको जो हम कर रहे हैं। इसको भी मैं पानी इसमें डालकर अपनी बोतल में ही फिल कर लूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस्ट 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 लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको आप अपने गार्डन में 10 से
8 दिन का गैप देकर रिपीट कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी प्लांट पर। देखिए इसके बाद देखिए इस तरह से बहुत सारी, ये तो दालों वाला हो गया, अगर आपकी कोई दाल ख़राब हो गई है ना आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं बता रही थी कि जैसे आपके किचन में दाल वगैरह रखी हैं और किसी वजह से आपने बहुत लंबे टाइम तक उसको ध्यान नहीं दिया और उसमें कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो आप उसको इस तरह से बनाकर रख सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आपके प्लांट पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा है हमारा नट का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कैशू के दिख रहे हैं आपको, तो मैं निकाल कर दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। देखिए ये ना रखे रखे काफ़ी दिन हो गया और मैं बिल्कुल भूल ही गई, जैसे अभी दिवाली के टाइम पे साफ सफाई कर रहे हैं ना, तो ये जो थोड़ा थोड़ा सा बच गया है ना ये वो निकल रहा है, ठीक है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पर तीन तरह के मेरे पास हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, आप सबको इनका रेट पता है, बट किसी न किसी वजह से हमारे साथ अक्सर हो जाता है कि कुछ बची हुई चीज़ें इस तरह से रह जाती है जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो हमारे मतलब की नहीं रह पाती है। तो देखिए जी मेरे मतलब की नहीं रही तो कोई बात नहीं, मैं किचन में यूज़ नहीं कर पाऊँगी बट मैं इसको फेंकूँगी नहीं, मैं इसका यूज़ करूँगी अपने गार्डन में। आपको ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट एक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत महंगे अखरोट जो आते हैं वो हैं, यहाँ पर काजू है और ये बादाम है। मैं आपको बताऊँ ये मेरे पास से आई थिंक ये मेरे पास फरवरी से रखे हैं, क्योंकि फरवरी में जब हम होली आती है होली की साफ़ सफाई करते हैं तो उस टाइम ये बच जाते हैं, तो कुछ हम ऐसे डब्बे में से निकाल कर रख देते हैं, उन डब्बों को साफ़ कर देते, तो उस तरह से करके ये मतलब कि पीछे चले गए और ध्यान नहीं रहा। तो देखिए जी इनको भी आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है, आप चाहो तो इनका पाउडर बना लो बट मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाली हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ये। तो मैं क्या करूँगी सीधा इस तरह की बोतल लूँगी, पानी से भर ली है मैंने, सिंपल टैप वाटर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जितने भी मेरे नट है वो सब मैं इस बोतल में इस तरह से भर दूंगी, मैं भर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, छोटा सा इसकी गर्दन है, आप चाहो तो किसी भी चीज़ में इसको बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सारे के सारे जो है ना मैंने वो इसमें भर लिए हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऊपर तक फिल कर लेना, मैंने ऊपर थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी है क्योंकि अभी मैं टेरेस पर हूँ और बारिश हो रही है, आपने देखा ही है, तो जितना है ठीक है, बाकी मैं इसमें जब दोबारा आऊँगी टेरेस पर तब इसमें फिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है ढक्कन बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी आपके पास हो नट किसी भी तरह का हो या फिर जैसे हमारे पास नारियल रखे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गोला जो होता है सूखा हुआ गोला अगर वो भी ख़राब हो गया तो आप उसको भी इसमें भर सकते हो, ठीक है, उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हो। तो देखिए आपको दोनों में ही ऐसी चीज़ करनी है जो ऊपर से बंद रहे, एक दिन में एक बार आपको कोशिश करनी है कि आपको ढक्कन को इस तरह से खोलना है, ठीक है, इस तरह से खोलकर इसके अंदर की जो गैस होती है वो रिलीज़ कर देनी है और दोबारा से ढक्कन लगाकर आपको बंद कर देना, बस जी इतनी सी मेहनत करनी है और आपके प्लांट जो है ना इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, इतनी अच्छी फ्रूटिंग करेंगे। जैसे कि ये है, इसको मैं ऊपर कर दूँगी तो इसकी गैस रिलीज़ हो जाएगी, फिर दोबारा से पुश कर देंगे तो बंद हो जाएगी, तो आपके प्लांट इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे, इतनी अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे कि आप चौंक जाओगे कि भाई मैंने तो बिल्कुल बेकार सी चीज़ यूज़ की है और उसकी वजह से प्लांट जो है बहुत अच्छे हो गए हैं। तो छोटी सी टिप मेरी अच्छी लगी हो, छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, रीयूज़ मेथड आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सेकंड चैनल है मेरा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपको देखनी है हम क्या करते हैं कैसे करते हैं, तो उस चैनल का नाम जो है मैंने चेंज कर दिया है, वहाँ पर मैंने नाम रख दिया है व्लॉग कोलकाता डेली, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक छोटा सा चैनल और बनाया है जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर, वहाँ पर भी जाकर देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि एक ही चैनल पर सारी चीज़ें जा रही थी तो लग रहा था कि कुछ पोच सा हो गया है, इसीलिए दो तीन चैनल अलग कर लिए हैं, वहाँ पर अलग अलग वीडियो जाएगी। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।